अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर की तरफ से आपको खुश आमदीद। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप गेमर का स्टोरी में कोडिंग के जरिए कैसे गेम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्टेप वन में सबसे पहले ओबीजेड प्लेयर में कोडिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए आप डबल क्लिक करें, इस पर एक विंडो ओपन होगी। इसमें इवेंट और एक्शन दो जगह, इवेंट में हम इवेंट ऐड करते हैं, एक्शन में जो सा इवेंट ऐड करते हैं उसका एक्शन होता है। इसके लिए सबसे पहले हमने एक ऐड इवेंट वेरिएबल तैयार करना है। उसके लिए ऐड इवेंट में जाके क्रिएट पे क्लिक करना है। इसमें हम यहाँ में कंट्रोल में जाके यहाँ से कोड का ऑप्शन इसको ड्रैग करके यहाँ छोड़ देना है। इसमें हमने कोडिंग करनी है, यहाँ पे वेरिएबल तैयार करने। सबसे पहले वेरिएबल होते हैं कि जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती। वेरिएबल में सबसे पहले हमने एक कमिट देना 3 स्लैश के साथ var वेरिएबल कुछ भी दे दें, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल देने हैं। सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल स्पीड लेफ्ट और राइट में, एक्स जिसे एक्स कोऑर्डिनेट में जो स्पीड उसको हॉरिजॉन्टल स्पीड कहते हैं, उसका वेरिएबल तैयार करना है। HSP मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड इज इक्वल टू 0, वर्टिकल स्पीड VSP इज इक्वल टू 0, MSP मूविंग स्पीड इज इक्वल टू 0, GRAV ग्रेविटी का वर्टिकल इज इक्वल टू 0.2, और उसके साथ JSP जंप स्पीड इज इक्वल टू 8, MSP इज इक्वल टू 5। ये हमारे ऑल्ट वाले वेरिएबल हैं जो हमने तैयार किए हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड HSP, वर्टिकल स्पीड VSP, मूविंग स्पीड दिया हुआ है VS, ग्रेविटी GRV 0.2, JSP जंप स्पीड, MSP मूविंग स्पीड। ये मुकम्मल हो गया। ओके करना। अब एक ऐड स्टेप इवेंट ऐड करना है कोडिंग। इसमें हमने एक लोकली वेरिएबल जो इसी पेज पे होंगे वो लोकली वेरिएबल यूज़ करने हैं। पहले 3 कमांड के साथ कमांड देना है, ऑल पुट जो लिखना चाहे कोई मसला नहीं। ये कमेंट होता है, इसमें जो लिखना चाहे लिख सकते, कोई मसला नहीं। एक डबल ट्रिपल कमेंट जो देना, इसमें डबल वाला देना है। इसमें लिखता है VARLO वेरिएबल लोकल। अच्छा, लोकल वेरिएबल के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं इसका VAR। फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं एल कील मीन लेफ्ट की इज इक्वल टू वर्चुअल की, कीबोर्ड चेक। उसके बाद ब्रैकेट डालते हैं इसमें वी के वर्चुअल कीबोर्ड और की का नाम लेफ्ट कीबोर्ड लेफ्ट, और इसी को कॉपी कर लेना आपने, पेस्ट कर लेना। उसके बाद फिर पेस्ट कर देना, लेफ्ट की जगह आपने राइट कर लेना कि लेफ्ट की जगह या राइट, यहाँ के आपने जे कर लेना जे। यहाँ पे चेक के आगे आपने प्रेस प्रेस पे क्लिक, वी के लेफ्ट की जगह कुछ और की जो दिल करता वो दे ले, कोई मसला नहीं। मैं स्पेस दे देता हूँ, ये हो गई। अब इसके बाद हमने ये तो लोकल वेरिएबल हो गया। अब हमने ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड ये एक ये यहाँ पर हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ करनी है। इफ स्टेटमेंट हमें जो सा इनपुट और इसका इनपुट और आउटपुट लेती है। इफ ब्रैकेट यूज़ करनी है, प्लेस मीटिंग इसमें एक्स वाई और ओबीजे डॉट प्लेयर
यूज़ होता है, ओ बी जे डॉट जो सा ऑब्जेक्ट होता है, इसमें ब्रैकेट यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे एक्स, क्योंकि हमने ऑन ग्राउंड जब नीचे की तरफ होगा, ज़मीन नीचे होगी ना, जो सा भी ऑब्जेक्ट होगा प्लेयर होगा, इसलिए हमने एक पिक्सल जो सी ज़मीन है उससे ऊपर रखना है। ऊपर की तरफ जाएगा तो जो सा है वाई प्लस वन होगा, वाई प्लस वन, इसलिए क्योंकि एक पिक्सल वाइज ऊपर होगा, किससे ऊपर होगा, उसका ओ बी जे डॉट वाल, ओ बी जे स्लैश वाल, ओ बी जे अंडरस्कोर वाल, ओ बी जे अंडरस्कोर वाल क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है इसलिए। इसके बाद हमने एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, इसमें हमने इन कर्ली ब्रैकेट में हमने जो सा ये एक्शन है, उसके बाद इसका रिएक्शन, ये अगर उन्होंने कहा कि ये काम हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए, यानी कि अगर एक पिक्सल जो से वाल से जो दीवार हमने तैयार की उससे ऊपर हो तो क्या होगा, उस वक्त वी एस पी यानी कि वर्टिकल स्पीड हमारी ज़ीरो हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जाकर वर्टिकल स्पीड यानी कि ना नीचे मूव हो ना ऊपर हो वर्टिकल, इसलिए क्योंकि वहाँ पे जाकर स्पीड बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे एक कमेंट देना जिसको जंप, जब हम ज़मीन पे होंगे उसके लिए जंप भी यूज़ करना, इसके लिए इफ़ अगर ये ब्रैकेट डालनी, उन्होंने कहा जे एस पी जंप स्पीड जे की, अगर हम जे जंप की दबा दें यानी कि जंप की है जो सी है वो इसके बाद कीबोर्ड चेक वी के स्पेस के बराबर होती है, इसलिए जब जंप की लाएंगे उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसमें जंप की लत उस वक्त क्या हो, वी एस पी यानी जो सी हमारी वर्टिकल स्पीड है वो किसके इक्वल हो जाए, इज इक्वल टू माइनस जे एस पी माइनस जंप स्पीड हो जाए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कौन देना अगर ये ना हो तो क्या हो, ई एल एस ई, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद एल्स का मतलब है ये हो ऑन एयर, अगर ज़मीन पे ना हो तो फिर हवा में होगा, एल्स का मतलब ये है, इसका मतलब है ऑन एयर। ऑन एयर के बाद आपने कमांड यूज़ करनी इफ़ 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 की कमांड का आपको पहले ही बताया, उसके बाद एक ब्रैकेट यूज़ होती है, इस ब्रैकेट में हम कीज़ यूज़ करते हैं, उनका अगर वी एस पी वर्टिकल स्पीड लेस देन, ये लेस देन कर लेस देन 10 हो, 10 के कम हो, इफ़ की ये कर्ली ब्रैकेट हमने यूज़ करनी होती है, इसके अंदर लिखना है अगर ये 10 से कम हो तो उस वक्त वी एस पी वर्टिकल स्पीड प्लस इज इक्वल टू जी आर ए वी, ये जो सी है ग्रेविटी के इक्वल हो जाए, ग्रेविटी की इक्वल ग्रेविटी मैक्सिमम 10 जो सी है 10 वेलोसिटी से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वी एस पी 10 से कम है इसलिए ग्रेविटी की स्पीड भी 10 से ज़्यादा नहीं होगी। ये तो अब मूविंग लेफ्ट के लिए कमेंट देना, मूव लेफ्ट, अब इफ स्टेटमेंट लिखानी है, इफ यहाँ पे एल की यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेफ्ट की में, क्योंकि ये लेफ्ट की है इसलिए लेफ्ट की में हमने लेफ्ट और राइट में हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है, इसलिए एच एस पी ठीक है एक्स इज इक्वल टू
माइनस लेफ्ट में है तो इसलिए माइनस आएगा, एम एस पी माइनस मूविंग स्पीड। इसी को चाहे तो कॉपी कर लें, नीचे पेस्ट कर लेना, मूविंग लेफ्ट की जगह राइट और लेफ्ट की जगह आर की, और माइनस को ख़त्म कर देना क्योंकि ये पॉजिटिव, फिर राइट मूव होगा तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम ना ही मूव लेफ्ट करते हैं और ना ही कमेंट देना, नॉट एनी मूव, अगर कोई भी मूव नहीं करता है, किसी टाइप में कोई की नहीं प्रेस कर, और की या कोई भी की नहीं प्रेस करते, इसके लिए हमने क्या करना है, इफ स्टेटमेंट यूज करनी है। इफ इसमें नॉट का सिंबल यूज करना, नॉट का सिंबल ये है, अगर ना ही की एल की प्रेस करते हैं और एंड का, और ना ही राइट की ऐड करते हैं, प्रेस करते हैं, तो तब क्या हो, कर्ली ब्रैकेट में हमेशा एक्शन होगा, जो सा किसी भी रिएक्शन होगा, आउटपुट होगा, जो उसका इनपुट करेंगे उसका आउटपुट होगा। ये यहाँ पे हमने अगर लेफ़्ट और राइट की नहीं दबाते तो हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल होता है एक्स पोजीशन में, इसलिए हम क्या कहते हैं, एच एस पी इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी की नहीं प्रेस करते उस पर हॉरिजॉन्टल स्पीड 0 हो जाए। ये तो हो गया ये कंप्लीट। अब हमने हॉरिजॉन्टल कोलिजन एच जेड कोलिजन, हॉरिजॉन्टल कोलिजन के लिए इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ की उसके बाद ब्रैकेट प्लेस मीटिंग हॉरिजॉन्टल है इसलिए एक्स के साथ प्लस आएगा, एक्स प्लस हॉरिजॉन्टल स्पीड है इसलिए एच एस पी, वाई के साथ किसी किस्म का इफेक्ट नहीं, सिंगल वाई, और जिसके साथ इसने एंटर कराना है वो है ओबीजे डॉट वॉल। ये इसके आगे हमने कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है। इन कर्ली ब्रैकेट में हमने एक कमांड यूज़ करनी है वाइल के साथ भी, इफ टाइप स्टेटमेंट इसके साथ भी हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे। इसमें नॉट का सिंबल यूज़ करेंगे, नॉट प्लेस मीटिंग, प्लेस मीटिंग, नॉट प्लेस मीटिंग, उसी टाइप एक्स के साथ ही ब्रैकेट्स यूज़ करनी है, प्लेस एक्स प्लस, एक्स के साथ प्लस, यहाँ पर साइन के साथ फिर ब्रैकेट, यहाँ पे एच एस पी क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्पीड है लिए, उसके बाद एच पी एस पी वाई के साथ कुछ नहीं, फिर वो उस जिस तरह ऊपर किया ओ बी जे डैश वॉल। ये इसके आगे भी ये कर्ली ब्रैकेट यूज होंगी। यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस इज इक्वल टू, एक्स किसके इक्वल होगा उस वक्त, साइन, ये जो सब ब्रैकेट में हमने दिए साइन एच एस पी। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद इस यहाँ पे हमने लिखना है एच एस पी इज इक्वल टू 0। ये इसके बाद हमने एक कॉमेंट देना है, मूव
एच जेड होरिजेंटल, होरिजेंटल मूव के लिए, लेफ्ट और राइट के मूव के लिए। यहाँ पे हमने लिखना है एक्स प्लस इज इक्वल टू एच एस पी, होरिजेंटल स्पीड के इक्वल हो गया ना। अब ये मुकम्मल कॉमेंट हमने कॉपी कर लेना, इसको नीचे पेस्ट कर देना ताकि हमें दोबारा न, यह हॉरिजॉन्टल, इसको हमने हॉरिजॉन्टल कोलिजन को वर्टिकल कोलिजन कर देते हैं, और यहाँ पे जो से भी वर्टिकल चीज़ों को चेंज, ये एक्स की ये इसको ख़त्म करके इसको वाई के साथ प्लस वी एस पी, क्योंकि वर्टिकल स्पीड है इसलिए वर्टिकल स्पीड का, बाकी कोई चेंज नहीं, एस के साथ से ये ख़त्म कर देना। इसके बाद हमने वाई के साथ ये एक्स ख़त्म करके वाई के साथ वाई प्लस साइन, यहाँ पे वी एस पी ओबीजेड, यहाँ पे एक्स की जगह आपने वाई कर देना और एच एस पी की जगह वी एस पी, और यहाँ पे एच एस पी की जगह वी एस पी, यहाँ पे एक्स की जगह वाई, एच एस पी की जगह वी एस पी, वर्टिकल स्पीड वी एस पी, एस पी वी एस पी, ठीक हो गया। मूव एच जेड मूव वर्टिकल, ये सिंपली लगता है ओके हो गई है, एक चेक कर लेते हैं, ओके करते हैं इसको भी, ओके सेव चेक करते हैं, ऑल कोडिंग ठीक ठीक से हुई, ये अब मूविंग लेफ्ट राइट स्पेस दबाते हैं, ये जंप, ये देखें सिंपली हम गेम का प्लेटफॉर्म का जो सिंपल प्लेटफॉर्म गेम तैयार हो चुकी है। ये मूविंग लेफ्ट राइट स्पेस की से जंप, ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ, ये देखें ये नीचे जो सी है ये वॉल है जिसको हमने डब्ल्यू ओबीजे डॉट प्लेयर, क्योंकि एक्स प्लस वन ये इसलिए लिखा था क्योंकि एक पिक्सल ये जो सी सब की वाल है इससे एक पिक्सल हमारा प्लेयर ऊपर है, ठीक है, और वाई प्लस एच एस पी इसलिए लिखा है क्योंकि ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल दीवार है इससे एक पिक्सल इस तरफ है, ये देखिए जहाँ भी आ जाए उससे एक पिक्सल ऊपर रहेगा इंशाल्लाह। ये तो हमारा बेसिक था, इसके बाद हमने जो सा हमने ये विलन तैयार किया साइड, इसको हमने मूवमेंट देनी है, इसको मूवमेंट कैसे दें इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक हमें इजाज़त दीजिए।